वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्थ ईस्ट रियासतों के सीएम्स के साथ बातचीत करते हुए नॉर्थ के टूरिस्ट प्लेसेस पर जमा हो रही भीड़ पर तश्वीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे हेल्थ वर्कर्स ने पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने वैक्सीन वेस्टेज को काफ़ी हद तक रोका है। जिन चार रियासतों में कुछ कमी दिखाई दे रही है, उम्मीद है कि वहाँ के काम काज में बेहतरी आएगी। मोदी ने कहा कि कोरोना के हर वेरियंट पर नज़र रखना होगा। ये बहरूपिया है, यानी भेज बदलने वाला है, बार बार अपने रूप बदल लेता है और हमारे लिए भी चैलेंजेस खड़ा करता है। हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव की तैयारी पर कहा कि थर्ड वेव आने से रोकना उसकी तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना वबा के खिलाफ देसी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि हम जल्द से जल्द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी हासिल कर लेंगे। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के टीके के जायजे की कार्रवाई शुरू हो गई है और जल्द ही इमरजेंसी यूज़ के लिए इसे मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल भारत में तो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के टीके को इमरजेंसी यूज़ के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में इसके इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि इसे WHO ने मंजूरी नहीं दी है। हिदाया जूनियर कॉलेज कामयाबी दोनों जहां में जेरे निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट एमसेट आईआईटी एंड सीए लड़के और लड़कियों के लिए अलहिदा बिल्डिंग चूज दीन दुनिया विल फॉलोज यू हिदाया जूनियर कॉलेज एडमिशन आर ओपन मेहंदीपट्टम हाफिज बाबा नगर संतोष नगर हैदराबाद।